मान्य सर, जब पंद्रह हजार साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं विश्वास करता हूँ, क्या क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निष्पाप हो गए थे? त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं, देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सच चीज कहना, सत्य का भाषण करना, आप गाली कैसे मानते हैं? आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य तेज भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। सबसे पहले नाम है राज्यपाल के भाषण के पृष्ठ एक पर बड़ी वाहवाही लुटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं। जब ये जगदीश है, ये पूरे संसार सब मालूम है, हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है। आप मानते हैं ना राम की पूजा? और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसने प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां सुनता है? इसलिए मान्यवर महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, व्यवस्था आपकी पीठ से चलेगी या व्यवस्था सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की ओर से चलेगी? आपने जब बोला तो मैं सुना आपको, आप लोग जब बोलते हैं तो धैर्य से मैं सुनता हूं। आप भी तसल्ली रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। और रही बात महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वहां देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य तेज भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया, जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं उनको रोक दिया गया, जिन लोगों ने कभी रामलला, सुनाइए, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा है, और आप रोक नहीं लगा पा रही हैं। आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप बैठिए, आप सदन को बैठिए, देखिए एक बात सुनिए, पहली बात को त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं, देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सच चीज कहना, सत्य का भाषण करना, आप गाली कैसे मानते हैं? अरे आप और इस तरीके से आप अपनी बात कहिए, रही कार्यक्रम की बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उन लोगों ने किया तो फिर किया, तो दूसरा कौन करता? नहीं, जो तो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी मत करिए उस पर। राम जन्मभूमि टिप्पणी करना हो रहा है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, नहीं सरकार है तो सरकार ने कार्यक्रम किया। आप लोग जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं विश्वास करता हूँ,
और महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की क्राइसिस झेल रहे हैं, सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के पास लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, और यही नहीं आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार यानी की सरकार का आयोग जिसने उसमें कहा है कि इस पर 800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, इनको तैनाती दिया जाए, आज तक तैनाती नहीं दी जा रही है। एक और ये कहते हैं, अब दूसरी ओर वहीं पर राज्य शिक्षा आयोग की बड़ी वाहवाही लूटते हैं, 3 साल हो गया उसमें चेयरमैन नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, मदरसा शिक्षकों को मानदेय जो अभी तक मिल रहा था उसको रोक दिया गया, उनको देने का पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो है उसको ये नकार करके फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो हजारों साल से पूजा जाता है, हजारों साल से उस अयोध्या में राम की पूजा होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का उचित नहीं है। यही प्रमाण महोदय देखिए, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो सबने स्वागत किया था, उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निष्पाप हो गए थे? आप बैठे मानो। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।